हेलो फ्रेंड्स, आई एम सरताज। देसी जायका मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ चीज़ मोदक। तो पहला मैं आटा गूंथ के रख देती हूँ, जब तक वो भीग जाएगा आधा घंटे, जो मोदक के अंदर जो मावा बनाने वाली हूँ वो बनाने तक वो आटा भीग जाएगा। तो जब तक मैं पहला आटा गूंथ लेती हूँ। 300 ग्राम मैदा ली हूँ, तो उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालती हूँ, थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल के फिर मैं आटा गूंथ लेती हूँ। और थोड़ा सा तेल डालती हूँ इसमें मैं, ये सब मिक्स करेंगे। फिर इसके बाद में मैं तेल डाल देती हूँ। देखिए, 2 चम्मच तो तेल डाल देती हूँ, बस इतना सा बस काफी है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके फिर पहला तेल के साथ में पूरा अच्छे से सोडा, जो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, सो सब पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद में मैं अभी पानी डालती हूँ, पानी डाल के इसको भून लेती हूँ। भून लिया तो इसको मैं अभी 10 मिनट के लिए ऐसे ढक के रख देती हूँ, जब तक वो अच्छे से ये हो जाएगा। चलिए, जो मोदक के अंदर जो मावा बना लेंगे उसके लिए चीज़ ली हूँ मैं, 100 ग्राम चीज़ और काजू, और उसमें 2 इलायची का पाउडर है उसके अंदर ही मिक्स कर दी हूँ, और 200 ग्राम मावा और कंडेंस मिल्क मैंने जो खुद घर पे ही बनाया है, और पीसी हुई शक्कर जो मैंने खुद घर पे ही पीसा है, बाहर दुकान से नहीं ली हूँ। और ये चलिए अभी बनाती हूँ मैं उसका मावा। कढ़ाई गर्म करने के लिए रख चुकी हूँ मैं। तो पहला डालती हूँ मैं मावा डालती हूँ। ये भी घर पे बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं फिलहाल तो टाइम नहीं, इसलिए रेडीमेड लेके आई हूँ। थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं पहला हल्के से, गैस स्लो रखी धीमे आंच पर, थोड़ा सा ये गर्म होने और उसमें जो तेल रहता है ना थोड़ा सा छूट जाए। फिर उसके बाद में हम लोग डालेंगे शक्कर। ये देखिए मिक्स हो रहा अच्छे से, थोड़ा सा अंदर आ रहा है। चलिए इसमें मैं मिक्स करती हूँ शक्कर। शक्कर ज़्यादा है, 150 ग्राम है, तो मैं सिर्फ 100 ग्राम शक्कर डाली हूँ इसके अंदर। फिर इसमें मिक्स करती हूँ मैं जो कंडेंस मिल्क है ना वो डालती हूँ। इतना काफी है, फिर बाद में चाहे तो फिर डाल सकते हैं हम लोग। पहला मैं इतना सा मिक्स कर लेती हूँ। इसको धीमे आंच पर पकाइए, और जो काजू और इलायची पाउडर इसमें डाली हूँ और वो भी मिक्स कर लेती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और पकाएंगे, थोड़ा अच्छे से इसको पकाएंगे। चीज मैं बाद में डालूंगी, पहला फिलहाल इससे ही अच्छे से पका लेती हूँ। चलिए अभी इसमें मैं चीज़ के स्क्वायर जो काटी थी ना वो डाल देती हूँ। चीनी ज़्यादा नहीं डालना है शक्कर, क्योंकि कंडेंस मिल्क भी मीठा रहता है, तो इसके लिए पहला थोड़ा शक्कर डाल के देखिए, फिर बाद में टेस्ट करके देखिए, ज़्यादा फिर दोनों मिक्स होकर ज़्यादा मीठा हो जाएगा इसके लिए। ये देखिए गाढ़ा होते आ गया एकदम, और उसको थोड़ा सा पका के फिर फैन के नीचे थोड़ा सा हवे में रख देती हूँ, जब तक अच्छे से हो जाएगा। अगर फुल आंच पे पकाना तो मिक्स करते ही पकाना है, नहीं तो जल जाएगा। मैंने आंच फुल कर लिया है, तो इसको अच्छे से मिक्स करते ही पकाएंगे। ये देखिए पूरा अच्छे से सब अच्छे से हो गया, किनारे से सब छूट गया। तो इसको अभी रेडी है, तो इसको मैं गैस बंद कर देती हूँ, इसको ठंडे को रख देती हूँ, थोड़ा सा फैन के नीचे ठंडा हो जाएगा। ये देखिए इसमें कुछ एकदम क्लियर अच्छे से पूरा ये हो गया, वो पक गया है। तो इसको भी मैं
थोड़ा सा ठंडे को रख देती हूँ ठंडा होने तक। पहला पेड़े बना लेती हूँ, फिर बाद में मोदक बनाऊंगी। इस तरीका से सब एक ही बराबर बना लेंगे। चलिए सभी पेड़े बना लिए मैं, थोड़ा सा इसको तेल लगाती हूँ। चलिए हाथ से इसको एक तरीके से छोटी रोटी बना लेंगे हाथ से ही। बनाने के बाद में फिर उसमें हम लोग मावा भर देंगे। तो अच्छे से इसको पहला देखिए इस तरीके से छोटी रोटी बना लीजिए, थोड़ा सा बड़ी बने तक। चलिए अभी ये हो गया, तो इसमें मैं जो मावा बनाया वो डाल देती हूँ। देखिए और थोड़ा सा डालेंगे, देखिए हो गया तो मावा हो गया। तो इसको देखिए इस तरीके से एक ये बनाएंगे, ये देखिए। और ऐसे कम से कम 5-6 तो बना लेंगे इस तरीके से। फिर ऐसे ही इसको बड़ा करते जाएंगे, ऊपर तक लेके जाएंगे सब। ये देखिए फिर इसको मिला देंगे। थोड़ा सा राउंड ऐसा घुमा देंगे तो और अच्छा लगेगा। ये देखिए हो गया, तो सभी मैं इस तरीके से बना लूंगी अभी सभी मोदक। तो मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ, आप फ्राई भी कर सकते हैं, इसको उबाल भी सकते हैं। तो मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ, एकदम भरपूर चीज वाले मोदक। चलिए अच्छे से डाल लीजिए इसमें, हो गया तो इसको डालियो। थोड़ा सा हल्का ब्राउन कलर होने दीजिए, फिर बाद में इसको कंटी करेंगे। मैं इसमें चीज़ क्यों डाली हूँ, क्योंकि जो गणपति महाराज के जो दोस्त है ना माउस, वो भी तो बहुत चीज़ उनको बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसमें चीज़ मिक्स करी हूँ इसके अंदर। और बच्चे भी गणपति का प्रसाद खाने के लिए बहुत शौकीन है, तो इसके लिए चीज़ मावा और कंडेंस मिल्क मिक्स करी हूँ। तो बच्चों ये सभी चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अंदर एकदम भरपूर चीज सब अच्छे से मिक्स करके भरी हूँ, और इसके लिए अच्छे इसको बड़े बड़े बनाई हूँ मैं। बच्चे लोग बहुत खुशी से गणपति जी का प्रसाद खाएंगे, तो उनके ध्यान में रखते हुए मैंने चीज डाला है। ये देखिए ब्राउन कलर हो रहे हैं, अब थोड़ा सा चलिए थोड़े से हो गए, थोड़े से निकाल लेती हूँ मैं एक दो, फिर ऐसा ना हो कि काले हो जाए। तो देखिए ये तो तैयार है, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए इसको थोड़ा सा पकने देती हूँ, थोड़ा सा गैस स्लो कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा तेल गर्म हो गया है। चलिए निकालती हूँ, घर पे आप जरूर बनाइए ये चीज़ मोदक। तो ये चीज़ मोदक आप पसंद आएंगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए। और देसी जायका देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।